सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान ब्लॉग्स पर। उम्मीद करती आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त हूँ। आज के दिन की शुरुआत हो रही है जी 6 बजे से, तो आज भी हमने करनी है जी स्प्रे। तो जब स्प्रे करनी होती तो आजकल हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो देखे जी, इधर धूप लगना भी शुरू हो चुकी है और इधर की बात की जाए तो मम्मी और ऑस्कर भी उठ चुके हैं। तो देखे जी, इन डब्बों को देख के आपको लग ही रहा होगा पता कि आज हम स्प्रे कर रहे हैं। तो इधर मम्मी ने मिला दी है जी दवाई। तो देखे जी, इसमें कितनी ज़्यादा झाग लगी हुई है और ये वाइट वाइट हुई है। अब मम्मी इसको मिला रही है जी इस वाले डब्बे के साथ, तो ये दवाई अच्छे से मिलेगी। हाँ जी, मैं कहाँ से लाऊं बड़ा जैसा डंडा। ऊपर होनी वो ऊपर लेंटर पर। तो सुबह सुबह होता है जी पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा, तो सुबह और शाम की यहाँ पे अभी भी ठंड है। दिन को तो गर्मी हो चुकी है। इधर मिले जी ऑस्कर से, हेलो गुड मॉर्निंग। ओहो दांत दांत दिखाता है तू मेरे को, है दिखा जरा, दिखा दिखा। आपने इसके दांत देखने दोस्तों, तो मैं सुबह सुबह इसके दांत दिखाती हूँ। रुक रुक, नहीं नहीं आ रहे इसके दांत ही नहीं आ रहे हाथ में। तो देखिए जी, दवाई मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे छास मक्खन मक्खन लगाना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है, है ना। मैं भी जाती हूँ पानी पी के आती हूँ, तो उसके बाद हम इन डब्बों को लेके जाएंगे खेत के लिए। तो आज तो दवाई हमें ढो के लेके जानी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, तो घर से ही लेके जाना पड़ता है। तो सामने करते हैं जी डोम देवता जी के दर्शन। तो दोस्तों, हम भी पहुंच चुके हैं जी खेत में और हम लेके आए हुए हैं जी अभी दो डब्बे। मैं और मम्मी एक डब्बा लेके आ चुके हैं और अभी यहाँ पे ठंड है, अभी धूप अब लगना शुरू हुई है तो अभी बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके वजह से हमारे को बाहर से कुट्टी वगैरह लगानी पड़ी है। तो अब हम चलते हैं जी अभी घर। अब तो सामने करते हैं जी सूर्य देवता जी के दर्शन। तो इधर हल्की हल्की हवा भी चली हुई है। तो इधर पहुंच चुका है जी भादुर तो देखे जी, दो डब्बे एक साथ एक इल्टे में। तो भादो लेके जा रहा है जी अभी इन डब्बों को खेत। चलो जी, मम्मी भी आ चुके हैं। तो मम्मी लेके आए हैं जी ये रोल चाचू के घर से। तो आपको पता है हमारा तो टूटा हुआ है, तो आज चाचू के घर से पहुंच चुका है। भादुर भी पहुंच चुका है, तो भादुर के रहा हुआ है जी एक डब्बा खेत में पहुंचाने के लिए। वही ले जाना है, कितने मारे वहां के लिए हो गए 6। तो चलो जी, इधर हमने मशीन भी निकाल दी है, तो अभी लेके चलते हैं जी हम इसको अब खेत के लिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो दोस्तों, मैं भी पहुंच चुकी हूँ रोल लेके, और एक मैंने 10 लीटर का डब्बा भी डाला हुआ है इसमें।
ऑन कर दिया। इन छोटे छोटे को दो रहने तो चलो जी, इधर वाले खेत में हम भी हो चुके हैं जी, इधर से स्प्रे करके खत्म। तो अब हम खोल देते हैं जी इन मशीनों के पुर्जों को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जी दूसरे वाले खेत, अब वहां पे हम स्प्रे कर रहे हैं। तो इधर हवा भी लगी हुई है, तो एक ये तो हमारा ये वाला है इनके वाला, और एक इसे थोड़ा परे है। तो अभी वैसे बारिश हवा तो नहीं रुकी है, पर बाकी हम बोल नहीं सकते पूरा उधर वाले खेत में रुकी हो क्या पता लगता है। तो इधर देखिए जी, हवा तो इधर लगी हुई है, तो स्प्रे करने का, हवा में स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं होता है। जो दवाई होती है वो अरे परे जाती है, पेड़ों में कम, अरे परे ज़्यादा बिखरती है। तो यहाँ पे हमने मशीन तो यहाँ पे पहुँचा दी है, और यहाँ पे दवाई भी लेके पहुँचे हुए हैं। तो हम कर ही देते हैं, करनी है मम्मी? तो देखे हवा तो है, कर ही देते हैं। खोल खोल ले, जले जले जा। उतनी ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे जितनी परे वाले खेत में है। तो जब तक हम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा करके, उतने तक वहां पर भी हवा का रुकने का सार मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ले जी के जाऊं, तो मैं यहाँ पे इस पाइप को खोलते हैं, तो मुझे लेके जानी पड़ेगी जी ये पाइप पर है। तो देखिए जी, ऑस्कर ने भी फेस छाया के लिए किया हुआ है, और ये है जी ऑस्कर की फेवरेट जगह, यहीं पे ही भी सोया हुआ मिलेगा आजकल। तो दोस्तों हम भी हो चुके हैं जी इधर दो तीन खेतों में स्प्रे करके खत्म। तो अब करेंगे जी हम शाम के टाइम, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब लग चुकी है जी हमें भूख भी। तो अब कर देते हैं जी हम भी लंच। तो दोस्तों आज है जी न्यू वर्ष, तो आज आते हैं जी हमारे गांव में पंडित जी, तो आज सुनाई जाती है जी पत्री। तो उसमें ऐसा होता है कि किसकी राशि हारी है, किसकी जीती है, वो चीज़ पता चलता है। तो अभी आ चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ छोटी दादी के घर, तो वहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं। आरोप प्रतियोग सामाजिक से कृषि उत्पाद से कमी, पशुधन की कमी होने से आरोप प्रतियोग सामाजिक वातावरण रक्त एवं विष्णु रोग बहुलत होंगे, अर्थात वर्षा का राजा मंगल होने से देश में चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, हिंसा, उपद्रव की घटना तथा प्रकृति उत्पाद विशेष रूप से भूकंप, अग्निकांड, विस्फोट से विशेष जनधन की हानि की घटना घटित होगी। तो सो होते हैं वे शर्मा जी, अगर सही लगन में तो तब जयनो पूरी नहीं होगी। कौन सा लगन बैठा था अगर हो ना प्रॉपर बना जन्म टीप, तब तो ठीक है, कोई पूजन पूजन तो नहीं उसमें। तब शनि का इसमें जी कौन में तो पाँव में आ गई ना, मेष राशि वृश्चिक मकर, इसमें कन्या कन्या वृश्चिक और उसमें मकर में मेष में तो दोस्तों हम भी उठ चुके हैं जी सो के। तो अभी टाइम हो रहा है जी 3:26, तो
इधर मौसम की बात की जाए तो मौसम हो चुका है जी, इधर से तो खराब हो गया है, और इधर की बात की जाए तो इधर को बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है इधर, और अभी हमने जाना है जी स्प्रे करने, तो इधर साइड खराब है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में तो कहाँ जा सकते हैं, पर इधर से हमारे को उम्मीद हो रही है कि यहाँ से साफ हो सकता है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं क्या बनता है। क्यों मम्मी आप क्या बोलना चाहेंगे, जाना है मौसम पहले कैसा रहना चाहिए, मौसम होना चाहिए साफ, ऐसा नहीं कहीं बारिश आ जाए फिर स्प्रे करने का कोई फायदा। देखते थोड़ी देर वेट करते हैं, 15-20 मिनट क्या पता ये बादल हट जाए थोड़े से, क्योंकि आजकल शाम शाम को आपको पता ही है मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता ही है, बारिश होती नहीं है, कल आया कल बारिश हुई पर वो थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, तो अब हमें लग चुकी है भूख, तो अब हम खाते हैं जी खाना। तो देखे जी इधर मम्मी भी आ चुके हैं जी सूखा घास लेकर, तो देखे जी मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो अब तो सामने बहुत ज्यादा बादल आ चुके हैं, और ये बादल इधर से परे परे के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं। तो देखे जी ऑस्कर और ऑस्कर का फ्रेंड भी आज पहुंचा हुआ है, आजा चलो जी। इधर गोबर भी निकाल दिया है, तो अब लेके चलते हैं जी गोबर खेत के लिए, तो मम्मी लेके जा रहे हैं जी गोबर, तो मैं लेके जाऊंगी यहाँ से एक 20 लीटर का ड्रम, जो जिसमें स्प्रे मिलाई हुई है मैं उसको खेत में पहुंचा के रखूंगी, तो मम्मी गोबर खिलता और फिर हम वहां से लेके आएगी घास। तो चलो जी मैंने यहाँ पे डब्बा भी रख लिया है, हम भी पहुंच चुके हैं जी खेत में, तो खेत की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसे घास बहुत कम लगा हुआ है, ज्यादा तो नहीं लगा है, कहीं नहीं जा रही भाई मैं, ये यहाँ पर बैठा हुआ था इसने मेरे को देखा तो ये भी मेरे से आगे आगे चलना शुरू कर दिया। तो देखे जी इधर से मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है, और साथ साथ आसमान में बादल भी गरज रहे हैं, तो सामने देखे जी पीछे पीछे हिमालय की चोटियां बहुत ही धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, तो देखे जी उधर उधर से तो मौसम साफ ही होने लग चुका है, और इधर साइड से हो रही है जी बारिश। तो देखे जी इधर खेत की बात की जाए तो यहाँ पर हमने इस बार के तौलिये किए हुए हैं, तो यहाँ पे उतना ज्यादा घास अभी नहीं लगा हुआ है, पेड़ों के ऊपर तो नहीं लगा है, पर इधर इधर थोड़ा हल्का हल्का लगा हुआ है, तो अभी हम इसी को ही निकालेंगे जो यहाँ पे छोटा छोटा लगा हुआ है। तो जैसे ये छोटा छोटा घास है इसको निकालने में लगता है जी बहुत ज्यादा टाइम, तो मुझे लगता है आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा हमारे को यहाँ पे 2 किल्टे निकालने में, तो मम्मी तो लगे हुए है और मैं भी कर देती हूँ, बारिश भी हो सकती है, मौसम तो ऐसा ही बना हुआ है, तो देखे इधर तो हो ही जाएगी, वो पार से साफ हो रहा है। तो देखे जी मम्मी तो लग चुके हैं, मम्मी लग चुके हैं जी इधर इधर से घास निकालने, तो अब मैं भी निकाल देती हूँ, तो इधर रखे हुए मैंने ग्लव्स, इनको भी मम्मी पहन लेती हूँ। तो देखे जी इधर लग चुकी है जी हवा, तो दोस्तों इधर हो रही है जी बारिश, तो हमने मेरा तो आधा ही खिलता है, मम्मी का थोड़ा फुल सा हो गया है, तो हम निकलते जी घर के लिए, तो जब तक हम घर पहुंचेंगे भीग भी सकते हैं, इसलिए अभी हल्की हल्की बारिश लगी तो हम अब निकलते ही है घर के लिए, तो अब लग चुकी है जी बहुत ज्यादा मोटी मोटी बारिश हो रही है। तो देखे जी हमारे किल्टे इतनी इतनी फुल है, चलो दोस्तों निकलते हैं और थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं, तभी हम भीगेंगे नहीं यहाँ पर। चलो जी दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं, देखे जी अभी भी लगी हुई है जी बारिश, तो साथ साथ इधर नीचे जलाई हुई है जी आग। चलो जी दोस्तों इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड, और मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय गाइस।